हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A31 के बारे में। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक कीबोर्ड सेटिंग, कीबोर्ड कस्टमाइज। तो किस प्रकार से आप अपने डिवाइस में कीबोर्ड सेटिंग एंड कीबोर्ड को कस्टमाइज वगैरह कर पाएंगे, तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते टॉपिक पे, सबसे पहले आप अपने डिवाइस की देखिए गाइस, अपने फ़ोन की देखिए गाइस, सेटिंग ओपन कर लीजिएगा, डिफॉल्ट सेटिंग। यहाँ पे देखिए गाइस, आप नीचे आइएगा, देखिए आप आइएगा एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन पे। देखिए गाइस इस टाइप से, यहाँ पे देखिए गाइस आपको यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गाइस आपको कीबोर्ड को पूरा सेटअप देखने को मिलता है। तो बात करते गाइस इसके फर्स्ट ऑप्शन की, डिफॉल्ट कीबोर्ड। तो गाइस अभी हमारा देखिए, हमारा अभी जी बोर्ड में चल रहा है। यहाँ पे देखिए अभी डिफॉल्ट में कीबोर्ड, अगर आप इसे चेंज करना चाहते तो आप टाल्क ब्रेल कीबोर्ड भी रख पाते। देखिए आसानी से यूज सिक्योर कीबोर्ड एंड वेन एंटरिंग अ पासवर्ड। तो आप कीबोर्ड सेटिंग में अगर पासवर्ड क्रिएट करना चाहते तो आप पासवर्ड भी क्रिएट कर पाते। जी बोर्ड की बात करें गाइस, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह सेटअप कर पाते एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज वगैरह शो करा पाते। देखिए नंबर ऑफ रो, थीम वगैरह यहाँ से देखिए आसानी से आप अप्लाई कर पाते। देखिए इस प्रकार से हम थीम वगैरह को देखिए आसानी से यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप अपने डिवाइस में अप्लाई कर पाते। देखिए इस टाइप से एंड ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, टेस्ट करेक्शन आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड, तो यहाँ से आप कीबोर्ड की पोजीशन वगैरह या नेविगेशन जेस्चर को चेंज भी कर पाते। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।